हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। गाइस, टेम्परेचर इन दिनों में बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने गार्डन में लगे पौधों की चिंता होने लगी है और हम सोचने लगे हैं कि गार्डन में ऐसे कौन से पौधे लगाएं जो इस गर्मी को बर्दाश्त कर लें और साथ ही हमें सुंदर सुंदर फूल भी दें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इसी तरह के हीट टॉलरेंट प्लांट्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव करने के साथ ही ब्लूमिंग भी करते हैं। इन प्लांट्स को आप गमलों में लगाकर अपने टेरेस गार्डन या बालकनी जहाँ अच्छी धूप आती हो वहाँ रख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है हमारा मोगरे का प्लांट। मोगरे को गर्मियों की तेज़ धूप बहुत ही पसंद है। जितनी धूप इसे मिलती है उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। इसके फूलों की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि हमारा पूरा घर आंगन इसकी खुशबू से महक उठता है। ये जस्मिन वैरायटी का एक बेलनुमा पौधा है, लेकिन गमले में हम इसकी प्रोनिंग करके एक बुशी प्लांट का रूप इसे दे सकते हैं। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इसके फूलों को पिंचिंग करते रहें, डेड हेडिंग करते रहें। और क्योंकि मोगरा एक हैवी फीडर प्लांट है, तो हर 15 दिन में एक बार हम इसे लिक्विड काउडंग फर्टिलाइजर दें या फिर वर्मी कंपोस्ट देते रहें। देखिए कितने मल्टी पेटल हैं इसके फ्लावर्स, और इस तरीके से देखिए बर्ड्स जो हैं वो बंचेस के अंदर इसके अंदर आ रहे हैं। तो टाइम टू टाइम अगर आप इसे फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो ये इसी तरीके से आपके यहाँ पर भी हैवी ब्लूमिंग करता रहेगा। मई जून की तपती गर्मी को बर्दाश्त करने वाला अगला प्लांट है हमारा कनेर। कनेर को ओलियंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये तेज़ धूप और कम पानी के अंदर सर्वाइव करने वाला प्लांट है। देखिए किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है इसमें। मेरे पास इसकी तीन प्लांट हैं, एक ये वाइट फ्लावर्स वाला, दूसरा ये पिंक, और एक देशी कनेर पूजा वाला जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसके अंदर सफ़ेद गुलाबी और पीच कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, और इसके फ्लावर्स में भीनी भीनी खुशबू भी आती है। इसकी देशी वैरायटी के फूलों को पूजा के काम में लिया जाता है, और ज़मीन पर लगाने पर ये प्लांट जो है एक ट्री का लुक ले लेता है। अगला प्लांट है हमारा चंपा का प्लांट। इसे प्लूमेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है जिसे पूरे दिन की धूप में भी कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर आप इसे एक बार अपने घर आंगन में लाकर लगा लेते हैं तो फिर इसकी कटिंग से टहरू प्लांट्स जो हैं तैयार कर सकते हैं। यह भी कई वैरायटीज़ में आता है। ये एल्वा चंपा है जिसकी पत्तियाँ इस तरीके से सिरों पर से गोल होती है, और फ्लावर्स इस तरह से सफ़ेद होते हैं जिनके बीच में येलो कलर की डॉट होती है। दूसरा ये नुकीले पत्तियों वाला देशी चंपा होता है जिसकी फ्लावर्स कुछ इस तरीके से हल्का पीलापन लिए हुए होते हैं, और ये फ्लावर्स खुशबूदार भी होते हैं। देखिए इसके
फ्लावर्स कुछ इस तरह की घुमावदार डिज़ाइन वाले होते हैं। साथ ही इसकी एक नाग चंपा की वैरायटी भी आती है, जिसकी पत्तियां आगे से नाग के फन जैसी होती है। गर्मियों में चंपा को डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, जिसे अगर आप सप्ताह में दो बार भी पानी दे दें तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और ये अच्छे से सर्वाइव करके आपको ढेरों फ्लावर्स देता रहता है। आपको इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। सर्दियों में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है और अपनी पत्तियां झाड़ देता है। स्प्रिंग आते ही इसमें नई पत्तियों का फुटाव शुरू हो जाता है और फिर एक स्टॉक निकलती है जिस पर बंचेस में फूल लगते हैं। इसके अलावा आप इस समय ये टगर का प्लांट लगा सकते हैं। इसे श्रीलंकन टगर बोलते हैं। तो देखिए, इसमें इस तरह के वाइट फ्लावर्स आते हैं जो पूरे समर्स, यूँ तो पूरे साल भर भी इसमें फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन समर्स में ये ढेरों फ्लावर्स देता है। तो आप इस श्रीलंकन टगर को भी लाकर अपनी गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं और इसके फूलों का लुत्फ ले सकते हैं। नेक्स्ट समर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में मैं बात करूं तो इसे आप सभी पहचानते होंगे। ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस का प्लांट भी समर्स के अंदर नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए, इसे पूरे दिन की सनलाइट के अंदर मैंने रख रखा है और इसकी फ्लावर्स का साइज़ देखिए, कितने बड़े बड़े फ्लावर्स जो हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं। और इसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे वीकली आप नॉर्मल वाटर से स्प्रे करते रहें ताकि इस पर मिलीबग्स का अटैक नहीं हो, और महीने में दो बार आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। मेरा ये गमले में लगा हुआ ही प्लांट है और देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। अगला प्लांट है ये विंका का, जिसे सदाबहार या सदा फूली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी कई तरह के फ्लावर्स आते हैं। देखिए, एक ये वाइट फ्लावर है जिसमें पिंक कलर के इस तरीके से बीच में स्टार बने हुए हैं। साथ ही इधर देखिए, ये वाइट फ्लावर्स वाली विंका है जिसमें ये येलो डॉट बनी हुई है। साथ ही ये देखिए, इधर ये पीच कलर के फ्लावर्स वाली विंका है। तो इधर आप देखेंगे ये पर्पल कलर के फ्लावर्स वाली विंका है। तो आजकल इसमें ढेरों कलर जो हैं आने लगे हैं, तो आप विंका को ला करके भी अपने गार्डन के अंदर इस तरह से हैवी ब्लूमिंग ले सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट प्लांट है ये हमारे गॉमफ्रेना के। देखिए, इस तरीके से समर्स के अंदर पूरे दिन की धूप यहाँ रहती है और फ्लावरिंग देखिए किस कदर हैवी ब्लूमिंग यहाँ पर हो रही है। और सिर्फ इसे एक बार अपने गार्डन में आप लगा लें, इसकी सूखे फ्लावर्स में ही सीड्स होते हैं जिन्हें तोड़कर आप फिर से मिट्टी के अंदर स्प्रिंकल कर दें और अपने आप से नए पौधे जो हैं उगाएंगे और बहुत ही लो केयर और जीरो मेंटेनेंस वाले ये फ्लावर्स हैं। तो इन्हें भी आप इस वक्त अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। अगला प्लांट है ये टिकोमोबाइन। तो
देखिए ये मेरी ऑरेंज टिकोमा वाइन है। इसे जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतने ही ब्राइट कलर्स के अंदर इसकी फ्लावर्स खिलते हैं। ये पूरे दिन की धूप में रखा मेरा प्लांट है और देखिए बंचेस के अंदर ये फ्लावर्स दे रहा है। बस इसकी जो स्पेंट किए हुए फ्लावर्स होते हैं आप उनकी डेड हेडिंग करते रहें, वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलेगी और गुच्छे के गुच्छे फूल आपको नए नए मिलेंगे। अगला प्लांट है ये पार्चुलाका का। देखिए पार्चुलाका में भी समर्स में बहुत अच्छी सी हैवी ब्लूमिंग होती है। ये देखिए इस वक्त टेरेस पर मैं हूँ और टेरेस पर मेरे पास ये दो कलर यहाँ अभी अवेलेबल हैं, एक येलो कलर और दूसरा रेड कलर। मैंने इसे रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में एक ही पॉट में लगा रखा है। मेरे पास इसके चार पांच कलर और सेकंड फ्लोर पर लगे हुए हैं जिसे मैं फिर किसी और वीडियो में शो करूंगी। साथ ही आप इस समय पर्सलेन को भी लगा सकते हैं। पर्सलेन भी तीन चार रंगों के अंदर आती है और समर्स के अंदर अच्छी ब्लूम करती है। ये एक और इसकी वैरायटी है जो सिंगल पेटल की फ्लावर्स इसमें खिलते हैं। इसको नौबजिया ऑफिस टाइम और नौकची के नाम से भी जाना जाता है। इधर देखें तो ये मेरे वाइट हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।